वो दुकान वाले अंकल भी क्या कमाल थे, पॉकीमॉन का लालच देकर अपना चिप्स बेचा करते थे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बच्चा जो एक पॉकीमॉन पाने के लिए चिप्स के पैकेट के अंदर एक पॉकीमॉन है उसको पाने के लिए पूरा चिप्स का पैकेट खरीद लिया करता था, कुछ इसी तरह का बिहेवियर हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। स्टॉक मार्केट में सफलता और असफलता का पूरा कारण आपका ग्रीड और आपका फियर है। जिस इंसान ने ग्रीड और फियर पे काबू पा लिया, उसे स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में और इवन लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हैं तो आप सक्सेसफुल इंसान अपने आप बन जाएंगे। मैं स्टॉक मार्केट में इसलिए हूं क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं मिला जो लाइफ में सक्सेसफुल ना हो। कोई ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट में आज तक मुझे नहीं मिला जो एक अच्छा इंसान ना हो। अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए शायद मैं भी एक अच्छे इंसान की श्रेणी में आ जाऊं, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में आया था। तो ग्रीड और फियर, इस दोनों पे आपको काबू पाना है। इस पे जिसने काबू पा लिया वो स्टॉक मार्केट में बहुत सक्सेसफुल बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 18,600 के आसपास मार्केट थी, लोग चाहते थे करेक्शन हो जाए। करेक्शन होकर 17,100 के आसपास कुछ दिनों तक ट्रेड कर रही थी। मैंने लोगों को कहा आप इन्वेस्ट कीजिए, मैंने भी इन्वेस्ट किया। एक दिन अचानक कोई न्यूज आई, 800-900 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी, 16,000 पे मार्केट पहुंच गई, 16,200 के आसपास। लोगों के मन में ग्रीड आया, कहीं ये मार्केट और नीचे जाए, और नीचे जाएगी, यूएस आक्रमण करेगा, ये 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट हो रहा है। तो उस ग्रीड की वजह से कुछ लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए, और नीचे जाएगी तो हम खरीदेंगे। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चलेगी। अब फियर, कहीं ये मौका ना निकल जाए। अगले दिन जब 400 पॉइंट ऊपर गई तो लोगों ने शेयर्स खरीद दिए। अब मंडे को क्या होगा, फिर नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, ना मुझे पता है ना मार्केट को पता है। ये दो लोगों को पता है, एक है बाबा पुतिन और एक है बाबा बाइडन। ये दोनों के एक्शन पर डिपेंड करेगा। अब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक समझदार इंसान इस परिस्थितियों में कैसे करता है? हम हमेशा सिचुएशंस की प्रोबेबिलिटी अपने डायरेक्शन में करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा सारा पैसा मार्केट में लगा हुआ था तो लगा हुआ है, मुझे पता है यार नीचे जा रही है, कल ऊपर आ जाएगी, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ पैसा था या है तो मैं क्या करता? मैंने जब देखा मार्केट अचानक, जब भी कोई डिप, बड़ी डिप आती है तो उसमें कुछ पैसे हम इंप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपना उस तरह का जो फंड मेरे पास था उसमें से 60-65% उस दिन मैंने लगा दिया जिस दिन मार्केट 800 पॉइंट नीचे गई। अब दो ही सिचुएशन थी, अगले दिन और नीचे जाते या अगले दिन ऊपर जाते। अगर वो और नीचे जाते तो 30-35% जो मेरे पास बचे थे मैं उसको और लगा देता। लेकिन अगले दिन ऊपर गई तो जो मैंने 60-65% लगाया था, क्योंकि वो मेरा इक्विटी का पैसा तो था ही नहीं, मैंने उसको निकाल लिया, मैंने उसको BTST कर दिया। अब मंडे को क्या होगा, फिर या तो नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी। अब नीचे जाएगी तो मेरे पास फिर पैसा है, मैं उसको लगा दूंगा, और ऊपर जाएगी तो कोई बात नहीं, मेरे तो फंड जो मेरे इक्विटी मार्केट के फंड है वो ऑलरेडी लगे हुए। तो समझदारी तो दिखानी है, इस अपॉर्चुनिटीज को यूज तो करना है इस अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे ग्रीड और फियर, सारा शेयर बेच दो, नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे, ऊपर जा रहा है तो पता नहीं पकड़ लो उसको, इस तरह से शेयर मार्केट में नहीं रह पाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म तक इस शेयर मार्केट में रहना है तो शेयर मार्केट के रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक रूल्स है, उस रूल को अप्लाई करिए, मार्केट में बने रहिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ग्रीड और फियर जब आपके दिमाग में हावी हो जाएगा तो पॉकीमॉन खरीदने के चक्कर में आपको चिप्स खरीदना पड़ेगा, और चिप्स का पैकेट 10 रुपए का, पॉकीमॉन उसमें 1 रुपए की। आपको देखना है कि वो अंकल ज़्यादा समझदार है या आप उस बचपने से निकल के अपनी समझदारी पे पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।